इस वीडियो का टॉपिक है GFR. GFR रीनल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है. लॉन्ग क्वेश्चन इस पे इस तरीके से आ जाता है दैट डिफाइन द GFR, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, हाउ यू मेजर द GFR. ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से. तो सबसे पहले आपको GFR में क्या क्या जानना जरूरी है. डेफिनेशन, इट्स नॉर्मल वैल्यू, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इट्स मीजरमेंट एंड FF विच इज़ अ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. इस वीडियो में हम ये बाकी चीज़ें कवर करेंगे और मीजरमेंट और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन, वॉट इज़ GFR. GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स ग्लोमेरुलर से कितना फिल्टर हो रहा है, वो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और एक मिनट में कितना फिल्टर होता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. हमारी किडनी में, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं वन किडनी में. ओके, तो दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 2 to 2.6 मिलियन नेफ्रॉन्स. तो ये जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सबसे मिला के जो फिल्टर हो रहा है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और पर मिनट जो हो रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. सो दिस इज द डेफिनेशन, रेट एट विच द फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन्स इन ईच मिनट. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. नाउ व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द GFR. इसके GFR की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे. इस पे MCQ भी आ जाता है. सो 125 ml पर मिनट, यानी एक मिनट में 125 ml फिल्टर हो रहा है, या फिर एक दिन में 180 लीटर पर डे आपका फिल्टर हो रहा है. तो इसके लिए पहले फार्मूला देखें, GFR कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं. GFR का फार्मूला होता है KF into EFP. KF इज़ अ फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट. KF इज़ फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, also the surface area of the membrane, surface area of filtration membrane. अगर हम इसको diagrammatically थोड़ा सा एक idea बनाएं, तो ये हमारा nephron है और यहाँ पे आता है आपका arteriole. This is the capillary. So this is the capillary. I made it as the capillary because afferents come, afferent arteriole comes, it divide into many branches which are the glomerular capillaries, and then efferent arterioles takes the blood out of this glomerular capillary. So I here maine banaya hai yahan par capillaries, glomerular capillaries, single capillary, and this is nephron. Nephron ka ek kaun sa part hai, ye hai Bowman capsule of the nephron. ये जितना भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन है, फाइनल फिल्ट्रेशन यहाँ से यहाँ ब्लड को आना है, कैपिलरी से Bowman कैप्सूल के अंदर आना है, यही है हमारा फिल्ट्रेशन. तो ये फिल्टर होने के लिए यहाँ पे चार तरह के फोर्स लगते हैं. दो फोर्स यहाँ पे लगते हैं कैपिलरी में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, दो फोर्स यहाँ लगते हैं. एक होता है PC, इट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. दूसरा होता है PC, इट इज़ ऑन्कोटिक प्रेशर इन दी कैपिलरीज. सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है PB, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन Bowman कैप्सूल, एंड PB विच इज दी ऑन्कोटिक प्रेशर इन दी Bowman कैप्सूल. तो PC क्या है, PC इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन कैपिलरीज. ओके, कैपिलरी सबको मिला के बोलते हैं. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ प्रेशर एग्जर्टेड बिकॉज ऑफ अ फ्लूड. किसी फ्लूड की वजह से जो प्रेशर एग्जर्टेड होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लड भरा हुआ है, यहाँ पे ब्लड है और उसी ब्लड को फिल्टर होना है. तो जो प्लाज्मा पोर्शन है वो इसको, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ डेवलप होता है और कैपिलरी से Bowman कैप्सूल में ब्लड को आने के लिए, यानी जो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है उसको ये प्रमोट करता है. ठीक है, अब एक होता है PC. PC क्या है, पाई इज अ ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर इन कैपिलरी. सी इज फॉर कैपिलरीज.
What is oncotic pressure? Oncotic pressure is a type of osmotic pressure. That is because of the protein, albumin protein. So especially ये किस वजह से होता है? Albumin की वजह से होता है. Albumin filter नहीं करती और ये यहीं पर रहती है इस कैपिलरी के अंदर. तो जो ये एल्बुमिन है, जो ये अंकोटिक प्रेशर है, इसका काम क्या होता है? ये पानी को होल्ड करके रखता है. तो यहाँ मतलब फ्लूड को, किसी भी फ्लूड को ये होल्ड करके रखता है. तो ऐसे यहाँ पर ये प्लाज्मा को होल्ड करके रखेगा. ठीक है, जैसे आप ये जो एल्बुमिन है, यानी यहाँ पे जो ये अंकोटिक प्रेशर है, ये इसके फिल्ट्रेशन को रोकेगा, या ये कह सकते हो ये फ्लूड को अपने पास रखेगा. तो ये एक अपोजिट फोर्स हो गया. ठीक है, तो ये मैंने कैपिलरी के लिए मैंने ब्लू से बना दिए. अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर फिल्टर होके फ्लूड आ रहा है, वो जो होगा वो भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा. वो होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल. और ये क्या करेगा, जो यहाँ पर फ्लूड है वो इसको अपोजिट साइड में भेजेगा, यानी फिल्ट्रेशन को रोकेगा. तो ये जो फ्लूड होगा, इसको मैं ब्लैक से बनाती हूँ. पीबी की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे यहाँ पे जो फ्लूड है ये इसको ऊपर की तरफ, इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और फिल्ट्रेशन को रोकेगा. इसका जो फोर्स होगा ऑपोजिट साइड में होगा. ये जो पाई बी है, पाई बी क्या है? ऑन्कोटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल. लेकिन यहाँ पर क्योंकि एल्बुमिन नहीं छनती, इसलिए पाई बी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है. ठीक है, तो ये चार फोर्सेज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन कैपिलरीज पी सी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ऑन्कोटिक प्रेशर इन कैपिलरीज, यहाँ पे ये दिस इज बिकॉज ऑफ एल्बुमिन. ओके, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल, ऑन्कोटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल. ऑन्कोटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल इज जीरो बिकॉज देयर इज नो एल्बुमिन इज फिल्टर इन टू द बोमेन कैप्सूल. ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये इसका जो वो है फॉर्मूला है जीएफआर का, दैट इज के एफ इंटू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. के एफ इंटू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, के एफ को हम बाद में समझेंगे, पहले इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को समझ लीजिए. जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो रिजल्टेंट प्रेशर है. इन चारों का रिजल्टेंट प्रेशर जो फिल्टर को हेल्प कर रहा है, जो फाइनल फिल्टर करा रहा है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. सो ई एफ पी इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब ये देखिए, जो दोनों जो फोर्स इधर की तरफ लग रहे हैं वो इसको फेवर कर रहे हैं, जो फोर्स अपोजिट साइड में लग रहे हैं वो इसको इनहिबिट कर रहे हैं. तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? पी सी माइनस पी बी. एक रिजल्टेंट हो गया इनका जो इसको फेवर कर रहा है. ठीक है, मतलब पी सी माइनस पी बी दोनों का डिफरेंस हो गया. ऑन्कोटिक प्रेशर को ऐसे ले लिए, पाई सी क्या कर रहा है? पाई सी क्योंकि होल्ड करके रख रहा है, यानी फिल्टर को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इसके सामने माइनस का चिन्ह है. तो इट इज पाई सी माइनस पाई बी. सो दिस इज द फार्मूला, दोनों के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिफरेंस माइनस दोनों के ऑन्कोटिक प्रेशर का डिफरेंस. ये हो गया इसका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला. ठीक है, अब पाई जो पी सी होता है उसका वैल्यू है 45 mmHg. ये 45 mmHg है. ऑपोजिट फोर्स जो हो रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोमेन कैप्सूल, वो 10 mmHg है. पाई सी इज 25 और पाई बी जैसे मैंने बताया जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्बुमिन नहीं आती है. ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो है आपका 10 mmHg. सो व्हाट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर? दैट इज 10 mmHg. ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, ऑन्कोटिक प्रेशर कितना है, या फिर ये MCQ का भी क्वेश्चन होता है कि कितना mmHg इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है. ओके, अब ये 10 mmHg जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है फाइनल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं के एफ से, विच इज़ अ फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट. क्योंकि एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये जो मेम्ब्रेन बन रही है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन रही जिससे ये छनता है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस वो इम्पॉर्टेंट है. यानी अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो क्या होगा? GFR इज डायरेक्टली DFR एंड थिकनेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर थिकनेस ज़्यादा है तो GFR कम होगा. ऑब्वियसली जो थिन मेम्ब्रेन होगी उससे वो आसानी से छन सकता है, तो जितना थिकनेस कम होगी उतना GFR ज़्यादा होगा. ठीक है, ऐसे ही सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है? तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ वॉट? सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कह सकते हो आप टोटल. सो सरफेस एरिया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा होगा उतना ही GFR ज़्यादा होगा. तो ये बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको एक्चुअली KF रिप्रेजेंट कर रहा है.
मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें थिकनेस और सरफेस एरिया, ये KF इससे निकालते हैं। तो नॉर्मली जो KF का वैल्यू होता है वो होता है 12.5। तो 12.5 इंटू 10 तभी ये वैल्यू आई है 125 ml पर मिनट इज़ दी नॉर्मल GFR। ये एक मिनट का है, ऐसे ये एक घंटे का निकाल सकते हो, फिर एक दिन का निकाल सकते हो। तो पर डे का कितना होता है 180 लीटर पर डे, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि GFR नॉर्मल कितना होता है। सो दिस इज़ नॉर्मल वैल्यू। ओके, तो अब ये एक तो हो गया फॉर्मूला GFR को आप कैसे निकाल सकते हो। GFR का फॉर्मूला है KF इंटू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का फार्मूला ये हो गया। इन प्रेशर्स का पता होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेवेंस है और क्या क्या इनके सबके वैल्यूज है, फाइनल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये हो गया हमारा GFR की डेफिनेशन हमारी कवर हो गई है, GFR का नॉर्मल वैल्यू होगा आपका डिस्कशन हो गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR को निकालने के लिए देखो जो फॉर्मूला है आप उसी को ले लो, यानी कि KF को जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी कौन कौन है, थिकनेस है और सरफेस एरिया है, तो वो इसको अफेक्ट करेंगी GFR को। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को जो चीज़ें अफेक्ट करेंगी वो GFR को भी अफेक्ट करेंगी, वो कौन है, वो यही प्रेशर्स हैं सारे के सारे। लेकिन क्योंकि इसमें पाई बी इज़ जीरो तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तो जीरो ही है, फिल्टर नहीं हो रहा जब तक नॉर्मल है, जब तक डिजीज़ नहीं है कोई तब तक तो ये जीरो है, तो ये अफेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए 1, 2, 3 ये तीन फोर्सेस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही हमने ले लिए सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं, PC हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन कैपिलरीज, PB हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, PiC ऑस्मोटिक प्रेशर इन दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, फिर KF ले लिया यानी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, उसको कौन अफेक्ट करता है, थिकनेस एंड सरफेस एरिया, तो ये चीज़ें ले ली। और इनके अलावा आप दो इंपॉर्टेंट और याद रख लो, एज भी GFR को अफेक्ट करती है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी GFR को अफेक्ट करता है। तो ये इस तरीके से 6 मेजर पॉइंट हैं, बाकी माइनर चीज़ें होती हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। तो अब हम वन बाई वन आ जाते हैं कि ये कैसे अफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आ रहा है आपका PC। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो अगर PC ज़्यादा है तो क्या होगा, GFR का वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी इफ़ इंक्रीजेज देन द GFR इज इंक्रीजेज। सो GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, यानी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड यहाँ आ रहा है, क्योंकि जितना ब्लड आएगा उतना ही फ्लूड होगा, उतना ही प्रेशर बनेगा। तो यानी ये डिपेंड करता है रीनल ब्लड फ्लो पे, रीनल ब्लड फ्लो पे। ठीक है, RBF ज़्यादा होगा तो PC भी ज़्यादा होगा, तो GFR भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये रीनल ब्लड फ्लो किस बात पर डिपेंड करता है, ब्लड प्रेशर पे, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर पे। यानी कि बॉडी के अंदर जितना ब्लड प्रेशर है उतना ही यहाँ पर ज़्यादा आएगा फ्लूड, यहाँ पे उतना ही ब्लड ज़्यादा आएगा और उतना ही छनेगा। ठीक, यानी कि जो भी चीज़ें ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकती हैं बॉडी के, वो इस बात को भी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें किडनी में एक ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है, यानी कि GFR एक रेंज तक अफेक्ट नहीं होता। जब आप ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा कर होता है बॉडी में तो एक रेंज तक GFR कांस्टेंट रहता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक रेंज से बहुत ही कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इफेक्ट होने लगता है। वो रेंज क्या हो आपको याद करनी है, 90 to 220 mm ऑफ ब्लड प्रेशर। बट ये कौन सा ब्लड प्रेशर है, ये ना सिस्टॉलिक है ना डायस्टॉलिक है, ये है मीन आर्टेरियल प्रेशर। इट इज़ MAP क्या होता है, इट इज़ मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 120/80, जस्ट फॉर एग्जांपल एवरेज हम जो बात करते हैं, ये सिस्टॉलिक होता है डायस्टॉलिक होता है। तो लेकिन जो मीन आर्टल प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है दैट इज़ एन एवरेज प्रेशर इन अ कार्डियक साइकिल। मतलब एक नॉर्मल साइकिल में जो एवरेज प्रेशर बॉडी में थ्रू आउट रहता है दैट इज़ मीन आर्टल प्रेशर। तो इसका मीन आर्टल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, डायस्टॉलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, डायस्टॉलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अब ये पल्स प्रेशर कैसे निकालते हो, सिस्टॉलिक प्रेशर माइनस डायस्टॉलिक प्रेशर। ओके, तो मीन आर्टल प्रेशर का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इस फॉर्मूले से निकलता है, और पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टॉलिक प्रेशर माइनस डायस्टॉलिक प्रेशर। ओके, तो ये जो 90 to 220 mmHg मीन आर्टल प्रेशर में चेंज होता है, इस वेरिएशन को, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 90 हो, 220 हो, तब तक जो है GFR का
ऑटो रेगुलेशन होता है किडनी में, यानी इस पे इस प्रेशर पे जीएफआर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप इससे कम कर दो, 90 से भी कम कर दो, बहुत ज़्यादा कम कर दो, तो जीएफआर पर अफेक्ट होने लगता है। तो कैसे अफेक्ट होता है? अगर हेमरेज हो गया, आप इसको देखिए, अगर हेमरेज हो गया या शॉक हो गया, हेमरेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना। तो अगर हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, शॉक हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो मैसिव डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, देर इज अ मैसिव डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ तो रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, यहाँ पे कम आएगा, तो पीसी भी कम हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो जीएफआर कम हो गया। सो याद रख सकते हो कि हेमरेज और शॉक में मैसिव डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है और जीएफआर को कम करता है, एक दूसरी बात। दूसरा, आप इसको एक चीज़ और याद रख सकते हैं, या तो आप इसको अलग रख लें या इसमें भी याद रख सकते हैं, कि जो आपका ये है, इसमें एक होती है एफरेंट आर्टरी, इसको आप अलग से पॉइंट याद रख लें, वो भी अच्छा रहेगा। ये होती है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल और ये होती है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक। एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट का कम होता है, ठीक। अब अगर कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, मान लिया इसका कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो रीनल ब्लड फ्लो क्या हुआ? कम हो रहा है, क्योंकि कम आ रहा है तो जीएफआर कम हो जाएगा। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल से जीएफआर कम हो जाता है। इसको आप अलग भी पॉइंट अलग करके भी लिख सकते हो कि कंस्ट्रिक्शन का क्या फ़र्क होता है एफरेंट या इफरेंट का। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल डिक्रीज इन द जीएफआर। अब आता है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट का क्या होगा। सपोज करिए आप इसको कंस्ट्रिक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रिक्शन मतलब ऐसे हो जा रहा है, जैसे ये लूमन है, अब ये लूमन ऐसी होगी, तो देखिए ज़्यादा आता है कम जाता है, तो यहाँ एक प्रेशर डेवलप होता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है। अब अगर आप इसको और थोड़ा कम कर दें तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा तो जीएफआर बढ़ेगा। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट अगर आप कर रहे हो तो जीएफआर कम होता है, लेकिन कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट करते हो तो जीएफआर बढ़ता है। लेकिन ये ऐसा तब होता है जब आप माइल्ड कंस्ट्रिक्शन कर रहे हो, यानी थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन कर रहे हो। लेकिन अगर आप सीवियर कंस्ट्रिक्शन करने लगे इफरेंट आर्टेरियोल का, सीवियर कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, तो क्या होता है? ये जीएफआर उल्टा कम होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जीएफआर भी कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा कम किया तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हुआ, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको कंस्ट्रिक्शन कर दिया तो क्या होगा? ब्लैक प्रेशर डेवलप होगा और आने वाला फ्लूड भी कम हो जाएगा। भाई ऐसा है ना, एक पाइप से अगर आप समझ लीजिए कि कम निकाल रहे हैं तो ठीक है, यहाँ प्रेशर डेवलप हो रहा है, लेकिन जब आप बहुत ही कम जा रहा है, जाने वाला बहुत ही कम हो गया, तो आने वाला भी बैक प्रेशर डेवलप होगा और आने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इसका इफेक्ट भी ऐसा हो जाता है जैसे एफरेंट का होता है, यानी जीएफआर कम होने लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पीसी के इक्वल, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब हम बात करेंगे ये वाला पीबी जो है, पीबी क्या है? इट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, मतलब यहाँ जो छन के फ्लूड आ रहा है वो इसको अपोजिट करता है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल अगर बढ़ेगा तो जीएफआर का क्या होगा? ये कम होगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से भी देखो, अगर ये वैल्यू मैं 10 की जगह 20 कर दूँ तो क्या होगा? फाइनल आंसर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, क्योंकि अपोजिट फोर्स है, ये जीएफआर को कम करता है, पहली बात। अब अगर सपोज करो यहाँ कोई स्टोन हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, यहाँ पे कोई स्टोन है या ट्यूमर है, तो जितना छन रहा है वो छन के निकल नहीं पाएगा, जगह कम रहेगी इसके निकलने के लिए, तो यहाँ फ्लूड इकट्ठा होने लगेगा। यहाँ फ्लूड इकट्ठा होगा तो इसको उल्टा प्रेशर डालेगा, यानी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो जीएफआर को क्या करेगा? कम कर देगा। तो एक तो ये फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि पीबी जब बढ़ता है तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होता है और जीएफआर भी कम होता है। इस वैल्यू को आप लगा के देख लो, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, इधर यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो, यानी यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चाहे तो नेफ्रॉन के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चाहे जैसे ये किडनी है और किडनी से यूरेटर जाती है, मान लिया यहाँ पर कोई स्टोन हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, तो जितना छन छन के आ रहा निकलना चाहिए इसको, लेकिन आप सपोज करो छिलने निकलने के लिए कम जगह बच गई, यहाँ कोई स्टोन है या कोई ट्यूमर है, तो ये बैक प्रेशर डेवलप होगा, बैक प्रेशर डेवलप होगा तो ये बोमन कैप्सूल का प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि फाइनली वहीं से छन के आ रहा था ये। तो स्टोन हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो पी बी बढ़ जाता है, जीएफआर कम हो जाता है, सिंपल बात। अब हम बात करेंगे तीसरे फोर्स की, जो है पाईसी, यानी ऑन्कोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये मैंने बताया था किसकी वजह से होता है? एल्बुमिन की वजह से होता है। तो अगर एल्बुमिन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा,
ये ज़्यादा होगा तो यहाँ अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू अगर आप 25 की जगह 30 रख लो तो आंसर आपका कम हो जाएगा, यानी एल्बुमिन अगर ज़्यादा होता है तो GFR कम हो जाता है। और अगर एल्बुमिन कम हो जाए, जैसे एल्बुमिन किस कंडीशन में कम हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी प्रोटीन आप कम ले रहे हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया या मेल न्यूट्रिशन, ढंग से खाना नहीं खा पा रहा तो प्रोटीन भी कम जा रही है, हाइपोप्रोटीनीमिया या मेल न्यूट्रिशन, उसके केस में क्या होगा, ये पाइसी कम हो जाएगा, पाइसी कम हो जाएगा तो फॉर्मूला लगा लो GFR बढ़ जाएगा। ठीक है, वही हो रहा है, ओपोजिंग फोर्स है क्योंकि ये हाइपोप्रोटीनीमिया या फिर मेल न्यूट्रिशन, इनके केस में पाइसी कम हुआ क्योंकि एल्बुमिन कम हो गई इसलिए GFR बढ़ गया। ठीक है, तो फोर्सेस हो गए तो ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर वाले, और एक है KF जो हमारा इस फॉर्मूले से आ रहा था कि देखिए GFR इक्वल टू KF इनटू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो KF को जो भी चीज़ें इफेक्ट करेंगी वो GFR को बढ़ा करेंगी इफेक्ट, KF बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा। इधर देखें, परमीएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के ऊपर KF डिपेंड करता है, थिकनेस, तो अगर थिक ज़्यादा होगी तो क्या होगा, KF डिक्रीज होगा, अगर थिन होगी मेम्ब्रेन तो KF ज़्यादा होगा, तो ये GFR को भी वैसे ही करेगा क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी KF। ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो KF ज़्यादा होगा और GFR भी ज़्यादा होगा, यानी अच्छे से छनेगा, ज़्यादा छनेगा। इसमें मैंने आपको बताया था एक मेसेंजियल सेल्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है, ये कैपिलरी है, मतलब यही बना लीजिए इसको, जैसे ये कैपिलरी की एंडोथीलियम है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी की एंडोथीलियम और यहाँ पर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में इन दोनों के बीच में यहाँ पर सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। इन मेसेंजियल सेल के कॉन्ट्रैक्शन से सरफेस एरिया कम हो जाता है, ये थोड़ा याद रखने की चीज़ें, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे याद रख लो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिकुड़ गया, यानी सरफेस एरिया कम हो गया, ऐसे याद रख सकते हो, इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया तो एरिया सिकुड़ गया, यानी जब सरफेस एरिया कम हो और GFR भी कम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द GFR बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर है, मैंने पांचवा पॉइंट बताया था एज, जैसे एज बढ़ती है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, मतलब हार्ट जो है कम काम करने लगता है, तो हार्ट कम प्रेशर से ब्लड को फेंकेगा तो किडनी में भी कम आएगा, यानी कि रीनल ब्लड फ्लो भी कम होगा, अब रीनल ब्लड फ्लो जितना कम आएगा उतना ही छनेगा भी कम, तो एज बढ़ने के साथ साथ GFR कम हो जाता है, एज बढ़ी कार्डिक आउटपुट घटा, रीनल प्लाज्मा फ्लो या रीनल ब्लड फ्लो कुछ भी लिख सकते हो, वो घटा, GFR घट गया। ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी कि कोई जैसे एंग्जाइटी वाली कोई चीज़ सुनी, कोई बहुत ज़्यादा डर वाली चीज़ सुनी तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है बॉडी में, या फिर नॉरिपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन बॉडी में सिक्रीट होने लगे, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, एफरेंट और इफरेंट दोनों का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, एफरेंट का भी कंस्ट्रिक्शन होता है, इफरेंट आर्टेरियल का भी कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये दोनों के दोनों यहाँ पर ये इनका कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, ये भी कम होने लगती है, ये भी कम होने लगती है, तो जो ब्लड आ रहा है वो कम हो गया, यानी रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो GFR भी कम हो गया। अगर आपको इसका एक कंसेप्ट पता है कि जो छन रहा है, जो GFR है वो बेसिकली फिल्टर होने वाली चीज़ है, तो जितना ब्लड अगर आएगा ज़्यादा तो फिल्टर भी ज़्यादा होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको अगर फंडा पता है और ये फॉर्मूला आप याद रखें और इस फॉर्मूले को याद रखें, तो इन सारे फैक्टर्स को आप इसी में से निकाल के इसको रिप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ GFR, यानी इस GFR को कैसे मापा जाता है, कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है, और एक छोटा सा है पॉइंट, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन FF। ओके, सो थैंक यू सो मच।